अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है, करंट पे बेस है। और ये मैंने अपने नोट्स आपसे शेयर करूँगी, ये नोट्स मैंने भी यूज़ किए हैं और अब आपको भी रिकमेंड करूँगी, शेयर करूँ कि आप भी पढ़ें और अच्छा रिजल्ट दें और अच्छी अच्छी तैयारी करें पेपर्स की। सो स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्जेस के जो चार्ज मोशन में होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें आता है करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। करंट क्या होता है कि चार्जेस के फ्लो को करंट कहते हैं। जब चार्जेस का फ्लो होता है उसके रेट को, फ्लो ऑफ चार्जेस का जो रेट होता है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्शन दैट इज करंट, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एन एरिया ऑफ कंडक्शन इज कंडक्शन इज यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट की यूनिट क्या है, आई से डिनोट करते हैं करंट को। हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म्स की देखेंगे। थ्री डेफिनेशंस है, बहुत इजी डेफिनेशन है याद करने में, कि चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं। चार्जेस का जो फ्लो होता है उसके रेट को जो कंडक्शन का प्रोसेस हो रहता है उस सारे प्रोसेस को करंट कहते हैं। करंट मूव करता है, फ्लो चार्जेस जो मूव करते हैं उसे करंट कहते हैं। और नीचे आते हैं कि इसकी यूनिट मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं हम। आई इज़ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई डी। क्यू इज़ चार्ज दैट इज दिस एंड टी इज ए टाइम, क्यू ओवर टी। जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्शन इज नोन एज करंट। इसी डेफिनेशन को यहाँ पे भी फॉलो किया गया है, दैट आई इज़ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। और चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। हम अब इसे डिस्कस करेंगे। हम देखिए कि क्यू का जो यूनिट कूलम यूनिट होता है चार्ज का, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो कूलम पर सेकंड इक्वल होता है एम्पेयर के। अब हम ऐसा यूनिट देखते हैं कि करंट की जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है। एम्पेयर इक्वल होता है कूलम पर सेकंड के। अब एम्पेयर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन कूलम चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन वन सेकेंड। वन कूलम चार्ज जब मूव करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में, तो उसे उस करंट को वन एम्पेयर कहा जाता है। अब करंट की आगे से टाइप्स हैं, कौन कौन से करंट है। स्टेडी करंट होता है और दूसरी टाइप भी हम स्टेडी कहते हैं। सबसे पहले स्टेडी करंट की बात करते हैं। स्टेडी करंट क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस आर कॉल्ड एज स्टेडी करंट। कंटिन्यूस जो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और चार्जेस का उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कंटिन्यूस फ्लो होता है, और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कंडक्टर में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और सर्किट के अराउंड वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल है ये, इसकी तरफ ये मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसे यहाँ पे बैटरी का सोर्स वोल्टेज दिया इसे, तो ये मूव करना स्टार्ट किया। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, ये जो एरो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं कंडक्टर में। आगे अब देखते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है। करंट का मेन पॉइंट क्या है कि करंट इज़ ए मैटर, करंट मैटर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है मैटर का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम होता है और एटम मैटर होता है। सो करंट इज ए मैटर, करंट भी मैटर ही है। अब कन्वेंशनल करंट, पहले स्टेडी करंट, अब कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि वो
फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज था, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव करंट। ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से प्रोड्यूस होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। डायरेक्शन देखते हैं हम, डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन विच पॉजिटिव चार्जेस वुड मूव। जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की वो ये है कि वो पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं और पॉजिटिव किसकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव चार्जेस की तरफ। अब हम आगे जाते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। अब हमने करंट तो बात कर लिया, अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था कंडक्टर का। कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव अ लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल परमिट करंट फ्लो इजीली, जिसमें करंट का जो फ्लो होता है वो इजी हो, इलेक्ट्रॉन लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और उस सब्सटेंस को कंडक्टर कहते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सके उसे कंडक्टर कहते हैं। अब एग्जांपल क्या है कंडक्टर की, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, और भी बहुत सारी एग्जांपल है जिसके लिए हम ETC यूज करते हैं। लिखने के लिए हम दो तीन नाम यूज़ कर लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ करंट इन डिफरेंट मटेरियल। अब करंट का जो फ्लो है वो हम डिफरेंट मटेरियल में देखेंगे कैसे है। सबसे पहले कंडक्टर में देखते हैं, कंडक्टर में देखते हैं करंट फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है कंडक्टर में। गैसेस में करंट फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। गैसेस में जो करंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो करता है। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो करंट फ्लो करता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। अब कौन से वो बात की गई है कि सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। सो आज हमने क्या पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, वो क्या होती है, और प्रॉपर्टीज हम उसमें डिस्कस करते हैं, चार्जेस के मोशन में के जो चार्जेस होते हैं उनकी। फिर हमने करंट की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी और के रिप्रेजेंट किससे किया जाता है करंट को। और फिर हमने मैंने बात की मैथमेटिकल फॉर्म की, करंट के मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि चार्ज पर टाइम क्यू डिवाइडेड बाय टी। उसकी फिर हमने यूनिट डिस्कस की कूलम पर सेकंड इज इक्वल्स टू एम्पेयर। एम्पेयर के बाद फिर हमने करंट के टाइप्स बताएं, स्टेडी करंट हो गया, कन्वेंशनल करंट हो गया, स्टेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जाता है की तरफ जाता है, और स्टेडी करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कंडक्टर डिस्कस किया, कंडक्टर क्या है, चार्जेस का फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इजीली मूव करता है करंट, उसे कंडक्टर कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि चार्ज करंट का फ्लो डिफरेंट मटेरियल में, करंट कंडक्टर, गैसेस और सेमीकंडक्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।